राम राम जी सारे, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत कमेंट आ रहे थे कि दमन बनाए के ना दिखाओ, दमन बनाए के दिखाओ। आज बनाऊंगी मैं दमन, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस। पिछली वीडियो में दमन की कटिंग करी थी, इस वीडियो में दमन की स्टिचिंग करूंगी और लमन मगजी की कटिंग। दमन की कलियां की कटिंग होगी, ये भी इन सारी कलियां ननु इकट्ठी कर दो और इनकी स्टिचिंग कर दो। ये दो दो उठाऊंगी और आपस में जोड़ दूंगी और इन नई पर, ये तो न्यारी न्यारी हैं, इन दो दो आना जोड़ दूंगी। ये दोनों रखूंगी उल्टी साइड, ऊपर की साइड होगी धनवा की, अंदर की साइड सीधी, और इसका न्यू सिलाई लगा लूंगी। ये दो रख ली और इन दो दो अनुए रख लूंगी और इन दो दो अनु उठाऊंगी आपस में। ये उल्टी है दनु, इसका सिलाई लगा दूंगी, इनका दो दो अन जोड़ लूंगी पहले, फिर और अन जोड़ूंगी। दो कलिया के टुकड़े ही उतरे थे, इनके बीच में सिलाई लगा लूं और इन जोड़ लूं, और ये भी इन दनु अन जोड़ लूंगी। सरिया का जोड़ा है, हेड पक्का करूंगी और यह सीधी सिलाई लगा दूंगी। ये भी दो दो कली उठाऊंगी और जोड़ दी जाऊंगी। जिस तरह दो ये ठहली, दो फिर ये ठहलूंगी, एक उल्टी एक सीधी नू रखी पाऊंगी, है नू की नू। इन सारिया ने नुए ज्वाइंट कर लूंगी। ये सारी कली जोड़ दी दो दो, और ये भी यू कटूंगी दो ने, ये दो दो जोड़ रखी है, ये भी ये जोड़ दूंगी एक दूसरे का। ये दो कली नू करूंगी और ये दो नू रखूंगी, इनका और नुए सिलाई लगा दूं, फिर यह सिलाई लग गया पाछे नू हो जाएगी, फिर दो कली इसका जोड़ दूंगी, दो नू जोड़ दी जाऊंगी पूरी, ये सारी कली नुए जोड़ दूंगी। ये सारी कली जोड़ ली दामन की, बेल्ट की तरफ तय कितना हो गया घेरा, यो हो गया 6.5 मीटर ऊपर बेल्ट की तरफ तय, और नीचे घेरे की तरफ तय हो गया 25 मीटर पूरा। यो डबल में है, यो सिंगल में, और ईब पहले बेल्ट लाने पहले इसका मगजी और लमन लाऊंगी, मगजी लमन और काट लूँ उसकी और कटिंग कर लूँ, इसने रखो एक साइड। ईब करूंगी लमन की कटिंग, पहले तो अस्तर वाला कपड़ा की करूँ थी लमन की कटिंग, ये व्यू सेंटू नाला कपड़ा मिल गया मैंने, इसका थोड़ी ही भारी भारी हो जाएगी, ये मोटा कपड़ा है, इसकी कटिंग करूँगी। मगजी लाऊंगी अस्तर वाला कपड़े की, ये सिंगल में ही करूँगी कटिंग, डबल में को नहीं करूँ। इसने यो तिरछा मिला लूँगी, सिंगल में बिछा लिया और यो कोना उठाऊंगी और यो यूँ मिला दूंगी, तिरछा यो तिरछा मिला लिया। जिस तरह धोती सलवार की कटिंग करेगा नू, वही बीच पर निशान लगाऊंगी, एक रीज लाइन में बना लूंगी, ये बीच का सेंटर का निशान लगा दूंगी, और इस पर बहुत ही आसान तरीका तो बताऊंगी मैं लमन की कटिंग करना। यो निशान लगा लिया बीच का, ये बीच ना यू खोल लूंगी, यू खोल के रख लिया। 4 इंच की मगजी लाऊंगी तो 8 इंच काट लूंगी, डबल में लाऊंगी इसके, थोड़े भारी भारी हो जाएगा डबल में लाना था। ये 8 इंच पे निशान लगा लिया और एक निशान ऐड लगा दूंगी, और इस नई पर सीधा मिला दूंगी निशाना ने, ये फट्टी गल है। ये निशान लगा लिया, इस पता है कटिंग कर दूंगी, एक निशान उरली साइड लगा दूंगी, एक पट्टी उधर तले कड़े आऊंगी, 8 इंच का निशान उरली साइड लगाऊंगी। और इस निशान में भी आपस में मिला दूंगी और इन पता है कटिंग कर दूंगी, और इस कोना पता है कटिंग करनी शुरू करूंगी।
ये 8 इंच की दो पट्टी काट ली है क्या, काट ली है क्या, काट रही पट्टी, इस पर भी छाऊंगी इवन्यू की न्यू और इस पर तय कटिंग कर दूंगी। बहुत आसानी हो जाएगी यू लम्बन की। यह बड्डी पट्टी मैंने इस कपड़े पर और बिछा ली तिरछा माई हो, यह और कटिंग कर दूंगी इसमें न्यू है, कटिंग कर दी जाऊंगी पूरा मैं 25 मीटर घेर खातर कटिंग करनी ही है इसकी। 10-15 पट्टी काट लूंगी ये न्यू, निशान ला के भी काट सको जो कर मैंने पहली काटी थी और न्यू ऊपर रख के भी काट सको पट्टी के ऊपर पट्टी रख के। इतनी सारी पट्टी काट ली उस हिसाब से काट ली 25 मीटर का कितनी लगेंगी, कम रहेगी तो ज्यादा को नहीं काटी, कम रहेगी तो एक दो और फिर काट लूंगी। ये 3 मीटर हो जाए दो पट्टिया में, ये देखो इतनी सारी काट ली और ये काटूंगी मगजी। ये लामन की पट्टी काट ली और ये बिन है यूं जोड़ लूंगी नो रखूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी एक ही ज्वाइंट ला दूंगी और फिर आगे नुए जोड़ दी जाऊंगी सारी या नू रखूंगी और इसने न्यू रखूंगी इसके ऊपर और यू जोड़ ला दूंगी ऐड सिलाई कर दूंगी ये सारी या नुए जोड़ दूंगी। ये लम्बन का कपड़ा जोड़ दिया, ये नू ज्वाइंट ला लिए सारी पर और ईव काट लूँ मगजी या डबल करके लाऊंगी इस कपड़ा में तो मगजी और काट लूँ मगजी भी न्यू कटाएगी जो कर लामन काटी थी, लामन 8 इंच की काटी थी डबल करके लाऊंगी तो 4 इंच की बच जाएगी, आधा इंच सिलाई में चला जाऊंगा 3 इंच की 3.5 इंच की लग जाएगी और मगजी काटूंगी 1.5 इंच की इसने नुए तिकोणा कपड़ा करूंगी। यो ये कपड़ा भी छा लिया और इसने भी नुए तिकोणा कर लूंगी इस कोणा पर यू मिला लूंगी और जो कर लामन की काटी थी न्यू एज की काट दूंगी। ये मगजी काटूंगी 1.5 इंच की, ये सिंगल में 1.5 इंच की काटूंगी और ये इस पर कटिंग कर दूंगी, ये दो निकड़े आऊंगी एकदम एक नीचे वाली एक ऊपर वाली ये बीच पर कट कर दूंगी इसने और बीच में तक काट दूंगी दो बन जाएंगी। ये भी 1.5 इंच की पट्टी पहले तो इसमें तो काटूंगी न्यारी 1.5 इंच का निशान लगा के ना फिर कम पड़ गई तो इसमें सीधी की सीधी काट दूंगी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिखड़े आऊंगी। ये काट ली सारी मगजी, ये बड़ी बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ये जमा एड़ तक काट ली कोना तक कितना कपड़ा वेस्ट गया है इन नहीं आपस में नू जोड़ लूंगी ये ज्वाइंट ला लूंगी ये और जोड़ लूँ और कम रह जाएगी तो फिर इस कपड़ा में तो काट लूंगी पहले ये जोड़ के ना लगा के देख लूँ फिर ये लंबी लंबी है ये उतर जाएगी एक दो पट्टी की और जरूरत पड़ेगी एक दो पट्टी और इसमें तो काट लूंगी इन मगजिया ने नू जोड़ लूंगी ये नू मिलाऊंगी और यह सिलाई लगा दूंगी सारिया ना न्यूए जोड़ लूंगी और ये जोड़िया पाछा न्यूए जाएगी सारिया ना न्यूए जोड़ लूंगी। ये सारी मगजी की कतर जोड़ ली और यह लम्बन की डबल कर ली मैंने, यह 8 इंच थी तो 4 मीटर रह जाएगी और आधा इंच सिलाई में चली जाओगी तो 3 इंच की लम्बन तैयार हो जाएगी। ये भी इसका मगजी अटैच करूंगी लम्बन का, इसने यू 1.5 इंच है इसने डबल करूंगी यू डबल करे रखा है और इसने न्यू मोड़ूंगी लम्बन वाला कपड़ा नहीं तनाक आधा 1 इंच और इसने यू रखूंगी इसके ऊपर मगजी वाला कपड़ा ने और इतनी एक पाइपिंग लाल कपड़ा की भी काटूंगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी यू रख के ना इस पर यू सिलाई लगा दूंगी इसने अटैच कर दूंगी दोनों ने लम्बन ने भी और मगजी ने भी। ये दो पाइपिंग लेकर आऊंगी एक लाल कलर की और एक ब्लू की और यो दूसरे रंग का धागा लगाना है नीचे वाली साइड भी ऊपर वाली साइड भी यो निशान निशानी सी हो जाएगी दामन का अटैच कर जोड़ी दिक्कत को नहीं होगी नाई पे न्यू अटैच कर दूंगी ये पूरा पर सिलाई लगा दूंगी न्यू ये देखो दो दो पाइपिंग लकड़े हो गए एक लाल रंग की लामन की और मगजी की दोनों की पाइपिंग काट दूंगी। ये पूरी पर जोड़ दी लामन और मगजी दोनों जोड़ दी
ये दो दो पाइपिंग हो जाएगी। ये भी इसने दमन का अटैच कर दूँ। ये नीचे दमन का कपड़ा रखूँगी, घेरा पता है यू सीधी साइड रख लिया, नीचे की साइड उल्टा है, ऊपर की साइड सीधा। और यू लमन और मगजी इसके ऊपर नू रखूँगी, या दूसरा कलर की सिलाई लगा रखी है मैंने, या नू की नू दिख जाएगी। इसके ऊपर कोई सिलाई लगानी है, दमन नीचे रख लिया, लमन मगजी का कपड़ा यूनू रख लिया, और जो या सिलाई लगा रखी इसके ऊपर को सिलाई लगा दूंगी। इस तरह सिलाई तो नुना नहीं जानी चाहिए, इस सिलाई के ऊपर होनी चाहिए। और यो आधा आधा इंच नीचे तय दमन का कपड़ा ले लूँगी। यह आधा आधा इंच का मार्जिन रख के ना और यह सिलाई लगा दूंगी। और यह नू पाइपिंग लिखड़े आओगी, या थोड़ा हल्ला लियो मैं फिर दिखाऊंगी। या लामण मगजी इतनी ला ली मैंने, इबे तो शुरुआत हुई है, बहुत रह रहा है। और देखो ये नू आओगी, इसने सीधी करूंगी तो यह नू लाऊ हूँ नीचे ही हो, और नीचे दामण का कपड़ा दरिया है, ऊपर मगजी लामण, और इसने यूँ मोड़ दूंगी। ये कितनी अच्छी पाइपिंग लिखड़ी आई, दो दो एक लामण की और या मगजी है, ये नू मुड़ जाएगा। और पिछली साइड तक भी कितना फिनिशिंग ला हुआ है, पूरे में काटना मैं बहुत फिनिशिंग आ जाए है। इसका चुगरदा न्यूए लगा लूँ, ये लामण मगजी लगा ली, पूरा चारों तरफ लगा ली, और ये भी इसने यूँ मोड़ूंगी। ये तो उल्टी साइड आ जाएगा, पहले सीधी साइड या किनारी पर सिलाई और लगाऊंगी, या किनारी पर लगा लूँ और एक और दो रे लगा लूँगी, एक पंद्रह का बीचा छोड़ के ना, या चारों तरफ नुए लगा लूँ पूरा घेरा का। कितनी अच्छी तरह लग गई है लामण, ये देखो थोड़ी इसी भी चुन्नट को नहीं आई। पहले ये दो सिलाई लगा लूँ फिर यह लगा लूँगी। एक सिलाई तो लगा दिया किनारा पर को, या दूसरी और लगाऊँ एक पंजे का बीचा दे के ना। ये डबल सिलाई लगा ली किनारी पर, इब ये और फोल्ड कर दूँ, या सिलाई और लगा दूँ। एड़ था इतनी तो लगा दी थी मैंने, और एड़ था स्टार्ट करूँगी, धागा से मड़ गया था फिर मैंने बंद कर दी थी। ये देखो यूरे में पट्टी काटे पाछ है, कोई चुन्नट को नहीं आंदी, थोड़ी बहुत आओगी तो वह दे दूँगी इसमें। ये देखो इस साइड तक भी कितनी सफाई तो आवे है, और इस साइड तक भी, या और चुगरदा लगा दूँ पूरा घेरा का, या सिलाई और या लगा ली लामण चुगरदा चारों तरफ है। और ये छोटी छोटी चुन्नट आई है एक आधी जगह, नहीं तो इतनी आई है कोनी, ये देखो छोटी छोटी, नहीं तो पूरे पूरे में काटना था कोई चुन्नट नहीं आती, ये एक आधी जगह छोटी छोटी चुन्नट डाली है। कितनी अच्छी तरिया लाएगी ये लामण, ये पाइपिंग और यह लामण, ना ऊपरली साइड चुन्नट आई ना भीतर की साइड। और ईब लगाऊंगी इसका बेल्ट, बेल्ट लाने खातर ये बहुत खुला हो गया, ये देखो ऊपरली साइड तक भी। यह लामण ला के ना यह सिलाई और लगा ली मैंने, यह नीचे तक ऊपर तक, और ऊपर तक तीन चार इंच ये खुला छोड़ दिया। इसका और कपड़ा ला के ना इसने और मोड़ दूँ, फिर बेल्ट लगाऊंगी, पहले इसका कपड़ा लगा के ना यूँ मोड़ दूँ। पाँच इंच लंबी और ढाई इंच चौड़ी पट्टी काट ली, ये भी साइड में बेल्ट लगाऊंगी, पहले यह लगा दूँ ये साइड में, दोनों साइड ये लगा दूँ, यह एक साइड लगा दी और इसने न्यू मोड़ दूंगी, और इस साइड भी न्यूए लगा दूँ। सीधी साइड है या उल्टी साइड है, सीधी साइड ये रखूँगी, और सीधी साइड यह डबल में कर ली मैंने पट्टी। और ये भी ना यूँ पलट दूंगी, और एक सिलाई ऐड लगा दूंगी, और एक या दूसरी साइड। ये साइड में पट्टी ला ली, जड़ा तल बेल्ट लगानी शुरू करूंगी। ये भी इसका ऊपर आड़ा सिरप है, ऊपरली साइड बेल्ट की साइड, ये धागा ले लिया मोटा पक्का धागा है, इसका गैट लगा दूंगी। और इसका गिल्ला ये डबल गैट, ये मोटा धागा ले लिया, इसका गैट लगा ली, डबल लगा ली। और ये ऐडत है, ये तो छोड़ दिया इतना जो यह पट्टी लगाई थी, और ऐड तो ये इतना इतना नूर करूँगी,
और इसने पूरा चुगर दे ये बेल्ट के ऊपर ये नुए मोटे मोटे टाके लगा दूंगी। देखो नुए लगाने जाऊंगी चारों तरफ। ये बेल्ट की साइड ये पूरा इस सिरे तक शुरू करे हैं और इस सिरे लगे नुए लगा दूंगी ये टाके मोटे मोटे। यह धागे के लसी लिया ये चुन्नट घेर ली इक्वल इक्वल। ये देखो ये इतना यो 20 इंच का रखूंगी डबल में। यो 20 इंच हो गया और 20 इंच की ये बेल्ट लग गई इसके। चौड़ाई में ले ली 2.5 इंच और लंबाई में 21 इंच। एक एक इंच ऐड मुड़ जाएगी तो 20 इंच की तैयार रह जाएगी बेल्ट। एक इंच के बाद 2 इंच तो 20 इंच तैयार रह जाएगी। ये बिछने इसका लगा दूंगी। ये पतला कपड़ा है इसका डबल में ले ली मैंने मजबूत हो जाएगी। ये भी आप बेल्ट और लगा दो। पहले इसने यू मोड़ूंगी या उल्टी साइड है दमन की या सीधी साइड। ये भी आप बेल्ट लेऊंगी या उल्टी साइड नो रखूंगी। ये इतना कपड़ा बढ़ा के ना इसने यू मोड़ दूंगी। ये उल्टी साइड रख के ना सिलाई लगा दूंगी बेल्ट का। ये भी है इक्वल कर दी जाऊंगी एक सार कर दी जाऊंगी ये चुन्नट और या बेल्ट लगा दूंगी और चारों तरफ नुए लगा दूंगी या बेल्ट। यह लगा दी बेल्ट और इसने भी उन्हें पलटूंगी तो नहीं हो जाएगा। और इसने यह दूसरी साइड पर भी और ही इसका सिलाई लगा दूंगी। अंदर की साइड मोड़ दूँ इसने। और यू दूसरी साइड भी नुए सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड सिलाई लगा दी ये भी इसने न्यू मोड़ दूंगी या सीधी साइड मोड़ दूंगी या उल्टी साइड है या सीधी साइड या सिलाई और लगा दो। बहुत भारी हो जाए सामना मुश्किल हो जाए दामन नीचा पड़ा है। एड़े को पाइपिंग काटना चाहो तो पाइपिंग भी लगा सको हो नीचे कपड़ा पाइपिंग का दे के ना ऊपर या सिलाई लगा दे। या बेल्ट लगा ली और या एक सिलाई और लगा दी एक एक पंजे का बीचा छोड़ के ना मजबूत हो गया और यो दमन हो गया तैयार। नाड़ा और रह गया इसका नाड़ा और मैं का सिल दूंगी। देखो ये कितना सुंदर डबल पाइपिंग का दमन तैयार है। बस ढूंढा कसर घालूंगी।